नमस्कार, डियर जिंदगी के इस सफर के 13वें दिन में आप सबका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सबके लिए ये सफर हिंदी वाला ही सफर है, इंग्लिश वाला नहीं। हम आशा करते हैं आप ये पूरी यात्रा एंजॉय कर रहे हैं। आज का हमारा विषय है कंप्लेंट्स, फरियादें, शिकायतें। सुबह से उठने के बाद शाम तक अब जरा देखना, अपने मन को ऑब्जर्व करना कि हम किस तरह के विचार ज्यादा करते हैं। ज्यादातर पूरे दिन में हम हमारी समस्याओं को बार बार याद करते रहते हैं। हमारी शिकायतें बार बार हमारे मन पे हमला कर देती हैं। पूरे दिन इसी में व्यस्त रहने के कारण से हम अपने जीवन के अच्छे आयाम पे फोकस भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या एक साइंस आपको पता है कि हम मानते हैं कि हमारे जीवन में इतनी सारी तकलीफें हैं, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन होती नहीं है। वो तो उन लोगों ने साथ में मिलके हमारे मन में इतना उधम मचा दिया है कि उसका शोर हमको ज़्यादा सुनाई देता है। अगर शांति से बैठ के आप देखेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, तो पाएंगे कि हम नाहक ही इतनी चिंता कर रहे हैं। इतनी समस्याएं जितनी हम मानते हैं उतनी तो नहीं है, तो कैसे करें ये विश्लेषण? चलो देखते हैं उसके लिए आज का होमवर्क। आज का होमवर्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा सा समय निकाल के आप एकांत में बैठे, अपनी डायरी साथ में लेके बैठे, और जब आप होमवर्क करने बैठते हैं तो एक बात याद रखें। आप ये सोचें कि जैसे भगवान आपको बोल के गए हैं कि हे वत्स, जो भी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, तेरी इस डायरी में लिख दे। कल मैं सुबह आऊँगा और ऐसा तथास्तु करूँगा कि उसके बाद तेरे जीवन में कोई भी समस्या बाकी नहीं रहेगी। तो आप क्या लिखेंगे? ऐसा सोच के आपके जीवन की हर एक छोटी से छोटी समस्या इस डायरी में लिखें। वो समस्या आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, व्यावहारिक भी हो सकती है, और हाँ, आध्यात्मिक भी हो सकती है। ये होमवर्क करने में आपके 100% रखें और पूरा लिस्ट, सूची तैयार करें और राह देखें। कल सुबह वो भगवान आएंगे और आपकी सूची को तथास्तु करके जाएंगे। आपका पूरा सूची तैयार होने के बाद तुरंत ही हमें आप कैसा महसूस कर रहे हैं वो शेयर करें। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।